दूसरा पेड़ है। हाँ ये नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम घूमो जी टीम की तरफ से घूमते रहते हैं और आपको नई नई चीजें दिखाते रहते हैं। आज हम खड़े हैं मसूरी में और मसूरी के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसे पेड़ों के बीच में जिनके अंदर एक राज छुपा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जरूर बने रहें, यह एक राज की बात है। मैं आपको वीडियो में कैमरे के द्वारा यह जंगल, यह पेड़ दिखा रहा हूं जिनके पीछे मसूरी का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वीडियो को स्किप ना करें, छोटी सी है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। लगातार वीडियो में जरूर बने रहें, हम आपको मसूरी के नाम से रिलेटेड आज एक राज खोलने वाले हैं जो वास्तव में अभी तक किसी को नहीं पता होगा। और वो यहाँ पर मौजूद हैं एक स्थानीय अंकल जो कि बताएंगे कि मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा। अंकल नमस्कार, ये मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा, जैसे कि हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आप बताइए। लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी की बात है कि इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ राज क्या है कि जो इनको नाम मसूरी से रिलेटेड है। इन झाड़ियों में बड़े जंगल हुआ करते हैं और थे, अब तो कट चुके हैं, पर एक मसूरा पेड़ बहुत मशहूर था मसूरी में। मसूरा जी, उसकी वजह से अंग्रेजों ने इसको मसूरा का नाम रखा। मसूरा धीरे धीरे उसको चेंजिंग होता रहा, मंसूरी पड़ा, मंसूरी के बाद फिर मसूरी पड़ा। जी ये कहानी है, ये इसकी कहानी है इस पेड़ की वजह से। यहाँ पर जंगलात होते थे सारे में मसूरे के, तो मसूरे के पौधे पे कोई फल आता है या इसमें पत्तियां आती है, किसी उपयोग में आता है? ये आती है, गाय भैंसों के काम आता है इसका घास, लकड़ी जलाने के काम आती है। जी कोई फल तो नहीं आता है? फल आते हैं बहुत मामूली से, बच्चे लोग खाते हैं, चिड़िया खाती है। ओके, ये कोई आम जंगल नहीं है दोस्तों, ये जंगल है मसूरे का। जी हाँ, मसूरी का नाम इस मसूरे वाले जंगल के पेड़ों से पड़ा है। आज से कभी काफी समय पहले ब्रिटिश शासन में जब मसूरी को स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा, तो वो यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर जंगल होते थे, इस तरह के झाड़ियाँ होती थी जिसका नाम है मसूरा। तो ये बात थी कि लोगों को ये नहीं पता कि मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा। इन तमाम झाड़ियों को जो आप देख रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये है मसूरे का जंगल। आज भी यहाँ के स्थानीय लोग इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और मसूरा ही कहा जाता है।